दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द सेकंड कैटेगरी ऑफ अ लिविंग बीइंग नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी और इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, मींस टू प्रोड्यूस द इंडिविजुअल, मतलब अपने ही जैसे एक और को पैदा करना। क्या कह सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ओके, अब सबसे पहले हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, नॉन लिविंग नेवर रिप्रोड्यूस। ओके, नेवर रिप्रोड्यूस। आ जाइए अब लिविंग में। लिविंग, द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, मे और मे नॉट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कभी 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 किसी किसी ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादातर गैमेट्स उसमें फॉर्म नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स फॉर्म होते हैं। ओके, जो मदर सेल है वो एग्जैक्ट एक डॉटर सेल का एकदम आइडेंटिकल होगा, तो इसमें क्या फॉर्म होता है, क्लोन्स। ओके, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर और इसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, वेरिएशंस आर नॉट फाउंड। ओके, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर प्रेजेंट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे, ह्यूमन में मेल्स में अलग गैमेट होता है, फीमेल्स में अलग गैमेट्स होता है, ओवा एंड स्पर्म। तो क्या हुआ ये, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज़्यादातर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ओके, यूनिसेल्युलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज सीन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और इसमें वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस आर प्रेजेंट, मतलब डिफरेंस, हम अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग हैं। ओके, तो इसी को कहते हैं वेरिएशंस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स अलग अलग हैं, तो माँ बाप से अलग अलग होंगे ऑफस्प्रिंग, तो वेरिएशंस, इसमें डिफरेंस प्रेजेंट होगा। ओके, अब कुछ एक्सेप्शन लेते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग तो हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, खच्चर जानते होंगे आप सब लोग, म्यूल मतलब खच्चर, म्यूल हो गया, एक वर्कर बी, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। म्यूल खच्चर सब लोग जानते हैं, और वर्कर बी में क्या क्या आ जाएंगे, ये भी स्टेराइल है, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इसमें ट्रांसजेंडर्स, जितने भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं। इन ये तीनों एक ऐसे एक्सेप्शंस हैं, लिविंग तो हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दे नेवर रिप्रोड्यूस। ओके, दे आर स्टेराइल, रिप्रोड्यूस स्टेराइल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो ये एक एक्सेप्शन हो गया रिप्रोडक्शन का। तो अब रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन है, ग्रोथ में भी तो हम लोगों ने देखा था कि उसमें भी वो भी एक्सेप्शन है। तो रिप्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सेप्शन। रिप्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सेप्शन, सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ऑल्सो हैव एक्सेप्शन, हेंस इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बीइंग। ऑफ अ लिविंग बीइंग। आई होप ऑल यू गाइज आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।